जी नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और भारतीय राजव्यवस्था के ऊपर ये 11वां वीडियो है। आप लोगों ने इसके पिछले वाले में ये देखा था 1935 के अधिनियम के बारे में। ये काफी विस्तृत और काफी बड़ा था, लेकिन 1935 का जो अधिनियम आया था उस अधिनियम के संबंध में पट्टाभी सीतारमैया, जिन्ना साहब, वाई बी रेड्डी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेंट के माध्यम में उसकी बुराई की। यानी वो कहा कि ये पूरा का पूरा ये जो व्यवस्था बनाया गया है ये एक बहुत ही खराब व्यवस्था बनाया गया था 1935 का अधिनियम इन लोगों के अकॉर्डिंग, और उसकी कहीं ना कहीं लोगों ने छवि खराब करने के लिए तमाम सारी बातें कही। लेकिन उस व्यवस्था हो जाने के बाद फरवरी 1937 में आम चुनाव कराया गया भारत में। फरवरी 1937 में आम चुनाव कराया गया, और वो आम चुनाव जो कराया गया वो विधान मंडल का था। आज हम सारी व्यवस्था को आपके सामने लिख दिया है इसलिए ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सके, ठीक है जी। तो फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में आम चुनाव कराया गया। कितने प्रांतों में चुनाव कराया गया था? 11 प्रांतों में। और वो 11 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से आप कह सकते हैं कि भारी रूप में सफलता हासिल की थी। कांग्रेस की सफलता हासिल करने का आप एक तरह से श्रेय ऐसे समझ सकते हैं कि उनमें कुल सीटों की संख्या 1585 थी। 11 प्रांतों में जो सीटें निर्धारित की गई थी वो 1585 थी। उस 1585 सीटों में 711 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत करके 6 प्रांतों में, कांग्रेस पार्टी 711 सीटें जीती और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत सिद्ध की। वो 6 प्रांत कौन कौन थे? एक था मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत जो आज का मध्य प्रदेश है, संयुक्त प्रांत और मुंबई। ये 6 प्रांत तो थे ही जहां पर इन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल की थी। आप अगर देखें कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो सिद्ध किया था वास्तव में पूर्ण बहुमत तो 5 ही ऐसे प्रांत थे, यानी बंबई नहीं था उसमें। ये 5 में पूर्ण बहुमत हासिल किया था, लेकिन बंबई में, असम में और पश्चिम सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल जो क्षेत्र था यहां पर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े पार्टी के रूप में सिद्ध हुई थी, यानी वहां पर उभर के निकली थी और कांग्रेस पार्टी ने इन क्षेत्रों में मिलीजुली सरकार बनाई थी। तो इस तरह से अगर आप देख लें तो इस तरह से मुंबई में कहीं ना कहीं एक मिला जुला रूप लेकर के पूर्ण बहुमत तो हासिल कर लिया था। और इनको अगर हम दोनों को जोड़ लें तो कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव के माध्यम से 8 प्रांतों में सरकार बन गई थी। लेकिन बड़ा दुखद बात यह था कि कांग्रेस पार्टी 28 महीने शासन करने के बाद, यानी 28 मंथ शासन करने के बाद अपने पद से सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। सामूहिक त्याग पत्र का मतलब यह है कि कांग्रेस की पार्टी ने अक्टूबर 1939 में 1939 में सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। यह त्याग पत्र देने का इनका एक मोटिव यह था, कारण इन्होंने यह बताया त्याग पत्र देने का कि उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर के 1945 तक चला, और 1939 में कांग्रेस पार्टी जो कि 28 माह शासन करने के बाद पद से त्याग दे दिया। और कांग्रेस पार्टी का ये कारण था त्याग पत्र देने का कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रहा था उसमें कांग्रेस पार्टी से बिना इजाजत या बिना अनुमति से भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर देना। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को शामिल करने से कांग्रेस पार्टी नाराज हुई कि भाई हम शासन में तो हम है लेकिन जो भी अगर डिसीजन लेना है तो ब्रिटिश ले रहे हैं, अंग्रेज ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा अस्तित्व ही क्या है। तो इस बात से नाराज होकर के त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि इस त्याग पत्र से मुस्लिम लीग बड़ी खुश हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती भी थी कि कांग्रेस पार्टी का नस्तनाभूत हो जाए, या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाए, जड़मूल समाप्त हो जाए। और इस बात से मुस्लिम लीग ने बड़ी खुशी मनाते हुए 22 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग इस बात से खुशी मना करके मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुक्ति दिवस किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। तो यह एक बड़ा सा कारण उभर के आया था 22 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और ये जो सामूहिक त्याग पत्र दे देने के बाद अब हुआ क्या कि जो
व्यवस्था थी या कह सकते हैं कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों के समक्ष एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया कि सरकार जो बनी हुई थी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। दूसरा, अंग्रेजों को यह बात पता था कि अगर भारतीयों का सहयोग हमें युद्ध में नहीं मिलेगा तो हम जीत नहीं सकते। तो ये बात कि संवैधानिक संकट उत्पन्न होना और भारतीयों की सहयोग अंग्रेजों को चाहिए था ब्रिटिश वालों ने, तो ब्रिटेन की सरकार ने उस समय जो वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड लिनलिथगो, ब्रिटेन की सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो को यह कहा कि हमारा एक प्रस्ताव है, आप उस प्रस्ताव को ले जाकर के भारत में पढ़िए, घोषणा करिए। और वो प्रस्ताव था 8 अगस्त 1940 का, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो ने वायसराय जो थे ब्रिटेन के सरकार के कहने पर प्रस्तुत किया। वो प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। तो इस तरह से आया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया और इस अगस्त प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें डिक्लेयर कर दी गई थी। पहली बात यह थी कि संविधान बनाने का जो अधिकार है वो भारतीयों को दिया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यह प्रथम बार ऐसा हुआ था कि जब संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को देने की बात की गई थी। पहली बात कि संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों का दिया जाएगा। दूसरा, ये इन्होंने बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद, भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान कर दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह होता है कि भारतीय राज्य क्षेत्रों पर शासक के रूप में भारतीय शासन करेंगे, लेकिन जो नियम कानून फॉलो किया जाएगा वो ब्रिटिश शासक किया जाएगा। तीसरी बात यह किया गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उस परिषद में भारतीयों को भी शामिल करने की कवायद की गई। यहां पर करने का मतलब यह था कि भारतीयों को खुश करना, तो भारतीयों को भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल करने की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट यह था कि युद्ध के सलाहकारी परिषद का एक गठन किया जाए, यानी ये जो वर्ल्ड वार हो रहा है इस तरह से एक सलाहकारी परिषद का गठन किया जाए जो हमेशा एडवाइस करते रहे, सलाह देते रहे। तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव की तमाम सारी घोषणाएं थी, जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं थी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अगस्त प्रस्ताव जो आ चुका था, अगस्त प्रस्ताव के बारे में अगर आप देखें तो एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी अगस्त प्रस्ताव से खुश नहीं थे। ये दोनों नाराज थे अगस्त प्रस्ताव से और ये लोग अपनी नाराजगी इस तरह से निकाली, या आप कह सकते हैं इनकी नाराजगी ही ये थी कि ये अगस्त प्रस्ताव से असंतुष्ट थे। और मुस्लिम लीग का ये था कि हमें भारत का विभाजन कर दिया जाए, यानी इंडिया और एक पाकिस्तान। यहां तक कि जिन्ना साहब ने यह कहा था कि मुस्लिम जो है कि वो एक राष्ट्र है, वो एक धर्म नहीं है, यानी हमें एक पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग वाले भारत विभाजन की बात कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी जो है स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के इस विरोध की वजह से जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो क्या हो गया, असफल सिद्ध हो गया। कांग्रेस पार्टी ने विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी ने बहुत पहले प्रारंभ किया था, लेकिन अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह कभी पूछा जाए और पहला व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था तो अगस्त प्रस्ताव के बाद कांग्रेस पार्टी के थ्रू ये ऐसा किया गया। और वो करने वाले जो व्यक्ति थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने पवनार आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में है, यहां से इन्होंने इसका विरोध किया और पवनार आश्रम से पहला सत्याग्रही बन के निकले थे। तो प्रथम सत्याग्रह व्यक्तिगत, अगर कोई पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से, तो आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रह बने हुए थे नेहरू जी। तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव का इन्होंने विरोध किया। अगस्त प्रस्ताव के आ जाने के बाद एक मिशन आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। ये मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन जो है वो भारतीयों की स्वतंत्रता की जो मांग थी, दो कॉन्सेप्ट था इस पे, एक तो भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग और दूसरा वर्ल्ड वार में हो रहे जापान की बढ़ती शक्ति, यानी जापान जो कंट्री है उसकी बढ़ रही जो शक्ति थी, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों की मांग थी कि भाई जल्दी उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। और जापान वर्ल्ड वार में बहुत परचम लहरा रहा था, तो ये बढ़ती हुई शक्ति को देख करके जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे,
उन लोगों ने अब ये समझ गया ब्रिटेन की सरकार कि अब भारतीयों की मांग को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता, यानी अब भारतीयों का सहयोग अन्य विदेशी राष्ट्र भी करना शुरू कर दिए, जैसे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम पे यानी ब्रिटेन पर दबाव, एक प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया कि आप इन्हें जल्द ही स्वतंत्र कर दें। तो ये जो अब मुद्दा था वो राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय होते चला गया भारतीय उपनिवेश का, और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने का ये आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार से ही स्टार्ट हो गया और बड़ी तेजी से फैला, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये चीजें फैलना शुरू हो गया और इन राष्ट्रों ने इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव बनाने के बाद ब्रिटेन की सरकार ऑलमोस्ट समझ गई इस बात को कि अब तो हम ज्यादा दिन तक इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, अब इन्हें स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। तो ब्रिटेन की सरकार और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री थे ब्रिस्टन चर्चिल। ब्रिस्टन चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड की अध्यक्षता में इन्हें भारत भेजा और भारत में इन्हें दिल्ली भेजा गया। ब्रिस्टन चर्चिल के नेतृत्व में जब सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आए तो भारतीय नेताओं से मुलाकात की और 23 मार्च 1942 को नेहरू जी और मौलाना आजाद से बैठ करके इन्होंने वार्ता किया। इस वार्ता से यह निकला कि 30 मार्च 1942 को एक प्रस्ताव पास किया गया, इसी प्रस्ताव को नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन 1942। तो 30 मार्च 1942 को यह प्रस्ताव पास हुआ। यह जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में कुछ बातें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर थी, आप कह सकते हैं कि पुरानी बातें थी जिसको दोहराया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। संविधान का निर्माण हो यह बात क्लियर किया इस समिति ने भी, इस मिशन ने, लेकिन यह कहा कि यह जो संविधान बनेगा वो एक संविधान सभा के द्वारा बनेगा और वह संविधान सभा निर्वाचन के आधार पर बनाया जाएगा, पहला चीज था। दूसरा ये बोले कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाएगा तो उसके बाद हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान कर देंगे, दूसरी बात थी। तीसरी बात यह था कि मुस्लिम लीग अगर चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो, यानी इंडिया की जो संघ है उसमें शामिल हो, चाहे तो संघ में शामिल ना हो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन जो कि ये व्यवस्था लाया था और इस व्यवस्था से भी कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर एक प्रभाव डालने का काम किया गया था ताकि भारतीय ज्यादा से ज्यादा खुश हो सके। लेकिन दुखद बात यह था कि यह प्रस्ताव आने के बाद भी भारतीय खुश नहीं हुए, क्योंकि क्रिप्स मिशन का एक तरफ जो प्रस्ताव आया था, इस प्रस्ताव से मुस्लिम लीग नाराज हो गई। सबसे पहले मुस्लिम लीग का इसके पूर्व मांग यह था कि उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र वाली जो मांग है उसको कंप्लीट कर दिया जाए और इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही है, तो इस वजह से मुस्लिम लीग नाराज हो गई। और मुस्लिम लीग के नाराज होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी इस बात से नाराज हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह चाहती थी कि यह जो मिशन है यह मिशन किसी भी हाल में भारत का बंटवारा ना करे। लेकिन इसकी बातों से कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिससे ये बात स्पष्ट हो रहा था कि ये भारत का बंटवारा ही चाहती है। तो ये भारत के बंटवारा या विभाजन करने का कांग्रेस का बिल्कुल इरादा नहीं था और ये कांग्रेस को लगा कि इसका मोटो ऐसा है, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और विरोध करते हुए तमाम सारे भारतीय नेताओं ने इसका बड़ा टिप्पणी भी किया, यहां तक कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी एक ऐसा चेक जिसका उत्तर दिनांकित हो चुका है, यानी उत्तर दिनांकित चेक यानी वह चेक जिसका डेट ही समाप्त हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से नाराज होकर कहा उन्होंने कि यह जो क्रिप्स मिशन है यह एक डूबते हुए बैंक के नाम, यानी एक ऐसा बैंक जो डूब रहा है, यानी एक डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है, यानी जो बैंक ही डूब रहा है उसके नाम का यह चेक है। और पट्टा भी सीतारमैया ने तो फिर वही बात दोहराया, कहा कि यह जो प्रस्ताव है कोई नवीनीकरण प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह जिस प्रकार से इसके पूर्व अगस्त प्रस्ताव आया था उसी अगस्त प्रस्ताव का यह मात्र एक संस्करण मात्र है, यानी उसी का एक प्रतिरूप है, यानी कोई बदलाव नहीं है, कोई नई चीज नहीं की गई है। तो इस तरह से आपने आज अगस्त प्रस्ताव और चुनाव के बारे में और क्रिप्स मिशन के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए, ठीक है जी, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड करूंगा इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।